सकते हैं गाड़ी अशोक लेलैंड का 5525 अवतार सीरीज नेपच्यून इंजन के साथ में 250 एचपी का इंजन है गाड़ी में। बिल्कुल शानदार लुक कंपनी ने बनाया अशोक लेलैंड, बहुत अच्छा गाड़ी है। 55 टन पास करता है, 3900 mm का व्हील बेस है गाड़ी का, 250 एचपी, 9 स्पीड गियर बॉक्स, 120 एम्पीयर का बैटरी, पार्किंग सिस्टम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कोई भी किसी तरह से कोई रिक्वायरी हो क्वेश्चन का। देखो ये इंडिकेटर बिल्कुल एलईडी डिटेल लैंप दिया है, शानदार लुक है। 55 टन ग्रॉस वेट गाड़ी का, 55 टन पास करता है। एटीएस सिस्टम 2 मिंच कंपनी का एटीएस सिस्टम है, जो भी एसिक्स में जो चेंजिंग हुआ है वो इसी में चेंज हुआ है, साइलेंसर में, ईजीआर में। बहुत अच्छा गाड़ी है अवतार सीरीज नेपच्यून इंजन। तो बात करते हैं अभी इसके क्लस्टर मीटर और डैशबोर्ड, देखते हैं गाड़ी का कैसा है। तो बिल्कुल एक प्रकार से बिल्कुल शानदार विंडो दिया है, 3 पैनल स्टेप है चढ़ने के लिए, और टिल्ट टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है, देख सकते हैं बिल्कुल स्टेयरिंग व्हील, सीट काफ़ी बड़ा सीट दिया है, और जो है स्लीपर कैब है, ड्राइवर बिल्कुल आराम से नाइट में जो है सो सकता है। बहुत अच्छा दिया है, कैबिन बहुत शानदार बनाया है, फायर एक्सटेंसर। तो आप दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल डैशबोर्ड बिल्कुल शानदार बनाया है कंपनी ने, चेंज कर दिया पहले से काफ़ी। जो है डायग्नोस्टिक कनेक्टर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेसिक्स में जो है बटन ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो है ये इनहिबिट स्विच, और इसमें ये पीटीओ, ये जो है कंट्रोलर जो है वो, इसके बाद ये हजार्ड स्विच दिया है, और ये जो है रीजनरेशन स्विच दिया है, जो कि जब डीपीएफ चौक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो उसे हम रीजनरेशन करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हैंड ब्रेक लीवर, म्यूजिक सिस्टम, और इसमें जो है कंपनी ने 9 स्पीड गेयर बॉक्स दिया है, सी क्रावलर गेयर के साथ है, जेड गेयर बॉक्स 1110 1110 गेयर बॉक्स। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस है गाड़ी में, को कंडक्टर सीट, सीट बेल्ट सब कुछ प्रॉपर दिया है, लाइट लाइट देख सकते हैं, ड्राइवर नाइट के समय खाना खाते वक्त या कुछ भी लाइटें ऑन कर सकता है। तो बात करते हैं अभी क्लस्टर मीटर से, तो देखते हैं अभी क्लस्टर मीटर अशोक लेलैंड का रिप्रेजेंटेशन, की ऑन करेंगे, बहुत ही शानदार माइलेज सब कुछ दिखाता है, डिजिटल क्लस्टर मीटर दिया है, चेंज कर दिया कंपनी ने। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिखा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये प्रेशर के बार शो कर रहा है, और साथ में हैंड ब्रेक का पी का साइन आया हुआ है, 703 किलोमीटर चला गाड़ी, और एड ब्लू का जो बार दिखा रहा है इधर दिखा रहा है, ये जो है इसमें 39% जो है DEF है, ये लाइट दिखा रहा है। एक बार दोबारा से की ऑन करते हैं इसका काट के, आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत सारे बेसिक्स में ऐड किया लाइटें, कौन कौन सा लाइट किया इसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक सिस्टम देख लेते हैं, कंपनी ने म्यूजिक सिस्टम दिया जो कि बहुत अच्छा है, ड्राइवर को काफ़ी मस्त गाना सुनता है। अशोक लेलैंड कंपनी का साइड में जो है दिया सब स्पीकर ऊपर, बहुत अच्छा है चैनल, बहुत शानदार दिया है। टीम वेयर फेस मास्क, 2 गज की दूरी। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये व्हीकल अपना स्पीडोमीटर है, कितने की स्पीड पे गाड़ी चलेगी ये दिखाएगा, ये अपना फ्यूल गेज है,
और इसके बात करें तो ये आरपीएम मीटर है, उसके नीचे जो है टेम्परेचर गेज है इसका। तो लाइट देख लेते हैं, ये जो है हैंड ब्रेक पार्किंग ब्रेक ऑन है इसलिए लाइट आया हुआ है, ये बैटरी का है, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होएगा तो ये लाइट चला जाएगा। जो खिड़की ओपन है उसके लिए भी हमें देखो सिस्टम दिया है, अगर खिड़की ओपन है तो ड्राइवर को पता लग जाएगा खिड़की ओपन है। हम जैसे इसको बंद करते हैं अभी ये चला जाएगा साइन, तो आपको दिखाते हैं, अभी चला गया बिल्कुल। तो अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी, साउंड चेक करते हैं कैसा गाड़ी साउंड है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती अंदर, क्या बात है, बिल्कुल नो साइलेंट है, बिल्कुल ही कोई वाइब्रेशन कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छा दिया है कंपनी ने। और ये जो है चार्जर, मोबाइल चार्जर दिया है सामान रखने के लिए, काफ़ी स्पेस है, ब्लोअर है, एसी भी आता है, ये ऑप्शनल है, कोई एसी चाहे तो एसी ले सकता है। अभी बिल्कुल कोई वो नहीं है, सीट बेल्ट का आया हुआ है।